हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में ऑयल की वेस्ट कैन से कैसे एक खूबसूरत प्लांटर बना सकते हैं। समर्स आ गई हैं, अभी तो घर में अंदर रखने के लिए, इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत सुंदर सुंदर आपको पॉट्स चाहिए ही होंगे, तो इसलिए ये वाला देखिए आप कैसा लगता है। आपको सब तरफ से घुमा के दिखाती हूँ। ऐसा है ऊपर से, इसमें ये फ्लावर मैंने काट के निकाला है और नीचे ये ऐसा है। तो आइए आपको बताते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये केन लिए हमने अब, और इस ऐसे पेंसिल से निशान लगा लेंगे। इसका इधर से काटना है एक तो, और इधर से हमको स्ट्रेट काटना है। ठीक है, मैं आपको पेंसिल से निशान लगा के फिर काट के दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ से एक यहाँ से सर्कल में निशान लगाया पूरा पेंसिल का, देखिए है ना। तो ये हमारा यहाँ से ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। और अभी मैंने एक साइड से लगाया इसका निशान, जब एक साइड से मैं इसे काट लूँगी तो वहीं से पेंसिल रख के दूसरी तरफ से निशान लगाऊँगी, क्योंकि एक ही बिना देखे दूसरी साइड से निशान लगाने में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो अभी इसके काटने के लिए मैंने ये लिया है थर्माकोल कटर, तो इससे काट के देखती हूँ। अगर इससे नहीं कटा तो वैसे फिर हॉट नाइफ से ही काटना पड़ेगा, तो मैं करके देखती हूँ अभी। अच्छा, ये इससे काट तो रहा है लेकिन मेहनत बहुत लग रही है, मैं इसे हॉट नाइफ से ही काटती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इससे गैस से तो बहुत जल्दी अच्छा कट रहा है, बिल्कुल दिखा रही हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये कट गया है, ये देखिए यहाँ से इसको काट रखा है पूरा। तब इसको निकालती हूँ मैं। एक मिनट, तो ये निकल गया इसका, ये इस तरह का हो गया इसका, है ना। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम इसकी पेंसिल से निशान बना देंगे। फ्रेंड्स, ये पूरा रेडी हो चुका है। इसमें देखिए मैंने यहाँ निशान लगा लिए ऐसे। इनको पत्ती के पेटल के शेप में काटना है, जैसे किसी फ्लावर के पेटल के शेप में, और वो भी मैं काट के और कलर करके आपको दिखाती हूँ। और जब मैंने ये काटा तो ये इसके किनारे थोड़े से ना रफ़ से हो गए थे, तो मैंने ये इससे, ये मोटा वाला रेगमाल है, ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा, ये मुझे 5 रुपीज़ का मिला। और इससे घिस के आप इनको स्मूथ कर लें, ताकि आपके जब प्लांट लगाएंगे तो काम वाम करते टाइम आपके हाथ हर्ट ना हो। तो मैं आपको दोबारा मिलती हूँ इसको। और मैंने नीचे इसमें ये ड्रेनेज होल भी बना लिए हैं, क्योंकि प्लास्टिक किया है इसलिए छेद काफ़ी सारे बनाए हैं, है ना, क्योंकि प्लास्टिक में वैसे भी नमी थोड़ी ज़्यादा ही बनी रहती है, तो प्लांट में फंगस वगैरह ना लगे, इस करके होल्स ज़्यादा बनाए ताकि पानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकल सके। तो मैं आपको दोबारा मिलती हूँ इसको कलर करके और काट के। तो फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया, इधर से ऐसे इसको कर लिया, इसमें नीचे छेद हैं, अब मैं इसमें प्लांट लगा के दिखा। तो फ्रेंड्स, ये प्लांटर बन के तैयार हो गया है, और देखिए आप बहुत सुंदर लग रहा है। और इसमें मैंने ये लगाया है सेंसेवेरिया बर्ड्स नेस्ट, क्योंकि प्लांटर में अगर ज़्यादा बड़ा पेड़ लगाती तो ये फ्लावर दिखना बंद हो जाता, इसलिए छोटी हाइट का ही प्लांट लगाया है मैंने, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और केन ऑलरेडी ग्रीन कलर की थी तो इस पे कलर करने की ज़रूरत नहीं थी किसी डिज़ाइन की, है ना। तो इस तरह से आप भी केन को यूज़ कर सकते हैं और एक कम पैसों में अच्छा प्लांटर बना सकते हैं। इसमें सेंसेवेरिया इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक बार पानी डालने से बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक का पॉट है तो उसमें ऑलरेडी नमी काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहेगी, तो इसको लगाने का ये रीज़न था। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।